opinions and stories around the game we love, told by your favorite storytellers. Stay up to date with all things cricket. Subscribe to CricBuzz's YouTube channel and press that bell icon now. आज पंजाब ने सिर्फ बैटिंग ऑर्डर ही शफल नहीं किया, इस परफॉर्मेंस के बाद पॉइंट टेबल को भी पूरी तरह से शफल करके रख दिया। छलांग मारी बहुत बड़ी और पहुंच गए हैं वो पांचवें स्थान पर। बैंगलोर को धकेल दिया नंबर सिक्स पर। हालांकि उनके ऊपर जो चार टीमें हैं पंजाब की, उन सभी की नेट रन रेट पॉजिटिव है, लेकिन फिर भी पंजाब के लिए ऐसा लगा कि बहुत बड़ा इंजेक्शन मिला है इनको। तो वो सुपर मारियो वाले गेम में होता ना, मशरूम खाने के बाद कद बढ़ जाता है, आज इनके साथ कुछ ऐसा हुआ है। बिल्कुल, सीजन में चल रहा है ना शफल डांस, तो करेंगे ही। कौन सा डांस? शफल डांस। शफल डांस ये इंस्टाग्राम की दुनिया की है सर। ये जवान शफल डांस। शफल डांस कैसे होता है? वो शो के बाद सर। आज तो बहुत टाइम, जल्दी घर जाना नहीं है, इसीलिए तो कह रहा हूँ टाइम पड़ा है। लेकिन ये बहुत बड़ा पॉजिटिव इंजेक्शन हो सकता है कि पंजाब ऐसी कोई स्टोरी हो कि बिल्कुल नीचे से ऊपर चले जाए और प्लेऑफ में तो भी कुछ कहना मुश्किल। जब हम पॉइंट टेबल देख रहे थे भी ऐसा लग रहा था ना कि जो बीच के जो हैं उनमें देखिए अंतर कितना है, कि जो मिड जो हम बात कर रहे थे ब्रेक में, मिड ब्रेक में पाजी कह रहे थे ना कि मैच ऐसे दिख रहे हैं, जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, अगर एक टीम भी इनमें अच्छी करी ना फिर और हलचल मचेगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पंजाब लग रही थी बहुत पिछड़ गई है, लेकिन अभी जीतती चली जाएगी ना तो फिर ऐसा लगेगा कि उनसे बेहतर टीम और कोई है ही नहीं। बाजी पंजाब क्या क्या सिग्नल्स दे रहे हैं आपको इस परफॉर्मेंस के साथ? क्या ज्यादा रीड करने की एक टेम्पटेशन हो सकती है इस परफॉर्मेंस में, या थोड़ा सा कॉशियस रहे? नहीं देखिए, मैं बड़ा बॉयंट था इस बार, यू नो, जिस तरह से पंजाब को आपको ऑक्शन में देखा, जिस तरह से शुरू के कुछ मैचेस देखे, मैं इस टीम के लिए बहुत पॉजिटिव था इस बार, क्योंकि यू नो बॉलिंग साइड जो है, मैं बॉलिंग की तरफ ज्यादा चलता हूँ। इनके पास बैटिंग तो हमेशा थी, बैटिंग आज भी वही बैटिंग है, ऐसा नहीं है कि कोई नए बल्लेबाज आ गए हैं और जो पीछे के जो बदले हैं उसकी वजह से गेम बदला है। पीछे के बल्लेबाजों की तो बारी आज भी नहीं आई, तो लेकिन किस तरह से आप खेलते हैं उस पर बड़ा डिपेंड करता है। एक दो मैचेस जो गुजरात का ही पिछला मैच ले लें, यू नो वो रेयर केस होता है कि आप 12 रन 13 रन लास्ट दो बॉलों में बनवा दें। तो ये टीम तो मेरे लिए तो उस टाइम भी अच्छी थी, जब पहले दिन आप और हम यहाँ मिले थे तब मैं उस दिन मानता था कि जो उसमें से जीतेगी, इसीलिए सोचता था ना कि इस टीम में दमखम तो हमेशा नज़र आता था, लेकिन जो अनसर्टनटी नज़र आती थी या एक होता है ना कि चांस के यार पूरा नहीं ले रहे हम, इसको भी चला लें उसको भी चला लें, ये एक आज अप्रोच जो देखी है बल्लेबाजी की, और आज टोटली सामने बहुत कम था, गेंदबाजों ने काम कर दिया। अगर ऋषि धवन गेंदबाजी इतनी अच्छी करते रहे, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी बहुत कारगर है, लेकिन उनकी गेंदबाजी का ही आज फर्क है ना, जब हार्दिक पांड्या को उन्होंने आउट किया, यू नो किसी दिन कर पाता है कोई, किसी दिन नहीं कर पाता, तो वो एक लिंक है, क्योंकि अर्शदीप फर्स्ट क्लास हैं, कगिसा रबाडा फर्स्ट क्लास हैं, संदीप शर्मा को आप शुरू में नहीं लेके आए थे, बाद में लेके आए हैं। संदीप शर्मा एक ऐसे हैं कि वो अपना काम करते हैं, अगर उनके पीछे कोई पड़ जाए तो उनके पास और कुछ नहीं है, तो वो एक ऑपोजिशन आपको मार के चली जाए वो वाली बात है। और राहुल चेयर का भी शायद बेस्ट हमने देखा भी नहीं है इस साल, क्योंकि इनमें भी वो क्षमता है। तो गेंदबाजी मेरे को लगी थी ये बहुत अच्छी है। अभी इसमें एक और गेंदबाज है जो पहले दो मैच खिलाए जब ग्रीन विकेट्स थी, लेकिन अब जब खिलाने का वक्त है वो खेल नहीं रहे। प्रज्ञान बहुत खुश होंगे, जो ब्रार हैं, मेरे को उनसे बेहतर लेफ्ट आर्म स्पिनर मुझे नहीं नजर आता कोई अभी आजकल इंडियन क्रिकेट में, तो वो भी इसमें कहीं जुड़ जाएंगे जैसे जैसे स्पिन होगी। तो आप अनलेस कुल्हाड़ी पे ही पैर मार दें जो हमारे कप्तान कहते हैं, इस टीम में ये आरसीबी मुझे दोनों इस साल बेहतर क्रिकेटिंग टीम्स नजर आई हैं, और रिजल्ट अभी तक तो नहीं चले हैं, लेकिन अभी असली टाइम तो अब आया है।